जनपद संबल के नकासा थाना इलाके में संबल जोया मार्ग पर कोहरे के कहर के चलते संबल जोया मार्ग पर बस और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बस पलटने से कार व बस में सवार लोगों समेत करीब 2.5 दर्जन लोग हादसे में घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो कुछ घायलों को अमरोहा जिले के अस्पताल ले जाया गया। दरअसल संबल जोया मार्ग पर अमरोहा की तरफ से बस आ रही थी जिसमें सवारियां भरी हुई थी। जैसे ही नकासा थाना इलाके के नाहठेर गांव के पास बस पहुंची, तभी कोहरे के कारण सामने से आ रही कार और बस की आमने सामने से टक्कर हो गई, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जबकि भीषण टक्कर से कार के पड़खच्चे उड़ गए। लोगों की चीख पुकार रोने की आवाज ग्रामीणों ने सुनी तो ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े और बस व कार में सवार लोगों को निकालना शुरू कर दिया। हादसे की सूचना नकासा थाना पुलिस व 108 एम्बुलेंस को दी गई तो कुछ ही देर में थाना पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई, जहां एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया तो कुछ घायलों को संबल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ घायलों को अमरोहा जिले के अस्पताल में ले जाया गया और उनका उपचार किया जा रहा है। हादसे के बाद से फिलहाल बस चालक मौके से फरार है। इस हादसे में 2 से 2.5 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है, जबकि कुछ गंभीर घायलों को मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है? नाम मेरा नाम रेशमा। क्या हुआ, कैसे हुई घटना? ये क्या, हम शादी में जा रहे थे सब, सहसान से आ रहे थे हम टिकिया। अच्छा, फिर क्या कर, बस वाला बहुत तेज आ रहा था, बस वाले ने पता ना अचानक ऐसी मार ऐसी टक्कर मारी कि हमें तो कुछ होश ही ना रहा। अचानक होश आया तो निकल के आए बाहर। कार में कितने लोग थे? 6। और बस कैसे आ रही थी? बस अमरोहा साइड से आ रही थी। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।